बादशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि देश के मूर्खों की सूची बनाकर लाई जाए। संयोग से जिस दिन यह अजीब सा हुक्म बादशाह ने दिया, उसी दिन अरब देश का एक व्यापारी कुछ अरबी घोड़ों के साथ बादशाह के पास आया। बादशाह को घोड़े पसंद आए तथा उससे वैसे ही 200 घोड़े का सौदा कर लिया। खुश होकर बादशाह ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसे पेशगी दे दी। व्यापारी चला गया। कुछ दिनों बाद बीरबल मूर्खों की सूची लेकर आए। बादशाह ने सबसे ऊपर अपना नाम लिखा देखकर पूछा, ये क्या बदतमीजी है, सबसे बड़ा मूर्ख मैं कैसे हुआ? बीरबल ने बताया, उस दिन आपने घोड़े के व्यापारी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं पेशगी दे दी थी। उसका नाम पता तक ना जाना था, ना ही उसे कोई परिचित कराने वाला था, ना ही जमानतदार। यह मूर्खतापूर्ण कार्य ही तो था। अब आपको मानकर चलना चाहिए कि वह अरबी 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चपत हो गया, अब लौटकर ना आने वाला। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसके बावजूद उन्होंने तर्क रखा, मान लो वह घोड़े लेकर आ जाता है तो? तब आपका नाम काटकर उसका नाम लिख दूंगा, बीरबल ने तड़ाक से कहा। बादशाह हंसे बगैर ना रह सके। धन्यवाद।